तो कैसे हो भाई? होपफुली आप बढ़िया अमेजिंग होंगे। मुझे पता है वीडियो थोड़ा इस बार लेट हो गया। हर बार कैसा है, दो तीन दिन में अपना वीडियो आ जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आपका जो पेशेंस है, जो आपने सबर रखा है, उसका फल मीठा होने वाला है, डोंट वेरी। पिछले वीडियो अपना किसके बारे में था? सिग्मा मेल की बॉडी लैंग्वेज की जो मिस्टेक्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो चार पाँच मिस्टेक मैंने बताई थी, उसके बाद बताया था कि भाई किस बंदे को या फिर कौन से अपने पर्सन को कि भाई वीडियो चाहिए पूरा डिटेल, सिग्मा मेल की बॉडी लैंग्वेज या फिर आपकी खुद की बॉडी लैंग्वेज, क्या क्या मिस्टेक्स है वो नहीं करनी और उसको कैसे सही करें, क्या क्या करना है, डिटेल वीडियो है ये, बहुत अमेजिंग है, पता आपको चल जाएगा। तो भाई किस बात की देरी, डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो अब बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में, बॉडी पोस्टर के बारे में, कि आपके अपनी बॉडी पोस्टर, बॉडी लैंग्वेज सब क्या है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आप जब कम्युनिकेट करते हो किसी बंदे से, तो 7% वर्बल रोल होता है एंड 93% नॉन वर्बल। अब जो नॉन वर्बल है वो दो कंपाउंड है उसका, 55% ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज एंड 38% योर वॉइस ऑफ टोन एंड बाकी 7% आपको पता है वर्बल। अब वर्बल क्या होता है, आपने अपने अंदर क्या स्टोर कर रखा है, जो भी आपकी नॉलेज, जो भी है, जो आप क्या बोलते हो उसको बोलते हैं वर्बल। 55% रोल आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बॉडी पोस्टर्स, आप कैसे देखते हो, क्या करते हो, आपके हैंड मूवमेंट्स, एवरीथिंग फ्रॉम योर फुट टू योर हैंड टू योर हेड एंड 38% ऑफ वॉइस ऑफ टोन। अब इसका मतलब क्या, आप कैसे बोलते हो, फ्रीक्वेंसी, ये सब एम्पलीट्यूड वगैरह, पिच वगैरह जो है वो आता है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आपके पास क्या नॉलेज है, क्या बोल रहे हो, वो मैटर नहीं करता कि आप क्या बोलते हो, बट कैसे बोलते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड बाकी 7% एज यू नो, आपकी जो भी नॉलेज हो गई, जो भी आपने स्टोर कर रखा है, विकिपीडिया वगैरह जो भी पढ़ा है और लोगों के सामने बोल रहे हो कि भाई मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, उसे बोलते हैं वर्बल, मतलब जो आप बोलते हो। और आज के इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, 55% रोल निभाती है। आप जब किसी से कम्युनिकेट करते हो, इंप्रेशन आपका 55% बढ़ जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। 7% ही रोल है वर्बल, मतलब आप क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो, कैसे बोलते हो, उसका रोल है आपको पता है 38% एंड 55% आपका बॉडी लैंग्वेज का रोल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज के बारे में, सब गलतियाँ जानेंगे, कैसे उसको सुधारनी वो सब जानेंगे। तो पहले जानेंगे सभी मिस्टेक्स पोस्टर्स जो आप डेली करते हो। फर्स्ट, हैविंग द लेफ्ट लेग क्रॉस्ड ऑन राइट। अब इसका मतलब क्या, और अब जब एक बंदा अपना लेफ्ट लेग राइट के ऊपर क्रॉस करता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि भाई वो बंदा उसको सुन रहा है बट वो अपनी साइड है, मतलब वो उसको जो भी वो बोलेगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई हाँ तू सही है, ओके, वो उसकी बात सुनेगा, फोकस रहेगा, लेकिन अपनी चलाएगा कि भाई हाँ जो मैं बोलूँ वो करना चाहिए। सेकंड, हैविंग द राइट लेग क्रॉस्ड ऑन लेफ्ट, मतलब इसका मतलब भाई वो चाहता है कि भाई सामने वाला मुझे लाइक करे, वंस वॉन्ट टू बी लाइक्ड, तो ये रहता है कि भाई सामने वाला मेरे से इंप्रेस्ड हो जाए, मेरे को लाइक करे, वो वैसा नहीं कि भाई हाँ उसकी सुने, वैसा नहीं रहता है उसके दिमाग में, इंप्रेस करना चाहता है उस बंदे को, ये पोस्टर वो दिखाता है। थर्ड, क्रॉसिंग योर आर्म्स, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो और जब आप अपने हाथ दोनों ऐसे क्रॉस कर देते हो और इस बॉडी पोस्टर में आप दिखते हो डिफेंसिव एंड डिसइंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस बंदे में, आप नहीं चलते, बस आप सुन रहे हो उस बंदे को, बस आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उस बंदे के कॉन्वर्सेशन में और आप डिफेंसिव लगते हो। मैक्सिमम आपने देखा होगा बंदे ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो ये सबसे घटिया पोस्टर है, आज से ही साइड करो बॉडी लैंग्वेज में कि ये सबसे बड़ी गलती है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट, लीनिंग बैक टू मच, अब भाई ये आराम से ऐसे बैठ जाते हैं पूरे पीछे होके, इसमें क्या होता है, आप लेजी दिखते हो और केयर फ्री दिखते हो, मतलब कोई परवाह नहीं, बस हाँ जो होगा देखा जाएगा एंड ऑल। नेक्स्ट, लीनिंग फॉरवर्ड, अब भाई ऐसे बैठ जाते हैं लोग, अभी कोई लड़की सामने बैठी है पूरे ऐसे झुक के बैठ जाएंगे। अब इस पोस्टर से आप बहुत अग्रेसिव दिखते हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हो, आप खुद नहीं दिखते हो, आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से ज़्यादा उस लड़की में इंटरेस्ट है कि वो मेरे बारे में क्या सोचे, क्या राय है उसकी, उसमें आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो आप, तो ये भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, ब्रेकिंग आई कॉन्टैक्ट एंड फिजिटिंग, अब भाई जब आप किसी बंदे से बात करते हो यार, आपकी आंखें इधर उधर इधर, आप उस बंदे के अलावा सब कुछ देखते हो, इधर देख लिया उधर देख लिया और बंदे आपके सामने, अब भाई अब आप ही सोचो, आपको पता है मैं भी कैमरे के सामने शूट कर रहा हूँ, बट मैं अगर उधर देख के या फिर इधर देख के अगर आप बात कर रहा हूँ कि भाई हाँ ये है वो है, आपको मोटिवेट होना नहीं है एंड ऑल, तो आपको क्या इंटरेस्टिंग दिखेगा? नहीं, आप क्या वीडियो देखोगे? ये बिल्कुल नहीं देखोगे। तो इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे होगा कि आपको आई कांटेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिजिटिंग बोले तो हाथ इधर ऐसा वो करना, तो वो हो गया, वो भी आपको नहीं करना है। आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना पड़ेगा। जब आप किसी पर्सन की आंखों में देख के बात करते हो तो आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, नर्वस नहीं दिखते, समझ में आया भाई? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नॉडिंग टू मच, अब भाई ऐसे 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 सामने वाला जो भी बंदा बोल रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है, इससे आप ये सेंस करते हो कि भाई जो सामने वाला बंदा है जो वो कहेगा वो मैं करूँगा,
भाई ये सही है, हाँ ये सही है, ये गलत है, हाँ भाई ये गलत है, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। आपको नोडिंग ज़्यादा नहीं करना है, ऐसे ऐसे सर झुकाना नहीं है आपको बार बार, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं दिखते, इससे आप कॉन्फिडेंट एक अमेजिंग पर्सनैलिटी आप बिल्कुल नहीं दिखते, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट, शॉपिंग और पॉइंटिंग योर फिंगर्स। अब भाई इसका मतलब क्या कि भाई ऐसे आपने देखे होंगे जब आप किसी से बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, आप ऐसे करते हो वैसे करने लग जाते हो, हाथ इधर उधर, इधर उंगलियां इधर उधर, तो ऐसे आप अट्रैक्टिव नहीं दिखते। वो गलतियों के कारण मतलब सामने वाला बंदा आपको इंटरेस्ट में नहीं लेता, आपको सीरियस नहीं लेता, समझ पा रहे हो, आप अग्रेसिव दिखते हो। नेक्स्ट, होल्डिंग योर हैंड बिहाइंड योर बैक। अब ऐसे लौंडे होंगे जब बात करते हो तो हाथ उनके पीछे कर देते, तो उसमें आप क्या दिखते हो, क्यूरियोसिटी दिखते हो कि भाई हाँ मैं ज़्यादा आपके अंदर इंटरेस्टेड हूँ, ये जानना है मुझे, सब कुछ जानना है, बहुत क्यूरियस दिखते हो, तो वो भी आपको नहीं करना है, आपको नॉर्मल रहना है, यूज योर हैंड शुड बी इन द प्रॉपर वे। नेक्स्ट, कीपिंग योर हैंड्स इन योर पॉकेट। ये हो गई अपने महान लोगों की स्टाइल, अपने इंडियंस की स्टाइल, आपने देखा होगा यार मतलब पॉकेट में हाथ डाल दिया और फोटो खिंचवाएंगे भाई सेलिब्रिटी, लेकिन इससे आप कुछ महान नहीं दिखते मेरे भाई, ये दिखाते आपको इन कैजुअल स्टेट एंड समटाइम इन सिक्योरिटी माइंड सेट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, लुकिंग अप एंड डाउन। नीचे देख लिया, ऊपर देखिए, सीधा देखिए, इधर देखिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो और आपको अगर फाइंड करना है कि भाई वो बंदा सच या झूठ बोल रहा है, तो नोटिस करना वो कभी भी आपकी आंखों में देख के बात नहीं करेगा, वो इधर उधर अप डाउन देखेगा। और इसका मतलब ये कि भाई वो बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, वो लाइक कर रहा है, और वो आपकी कन्वर्सेशन में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, कुछ और ही सोच रहा है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, टियरिंग। अब ऐसे लौंडे हैं जो लड़कियों को बहुत नज़र देते हैं, पूरे देखेंगे यार क्या लड़की है क्या वो है, कॉम्प्लीमेंट देंगे, टीज करेंगे उन्हें, पता नहीं क्या गलत करते, लेकिन बट ये गलती है, आपको किसी को ऐसे स्टेयर नहीं करना है, किसी को ऐसे घूरना नहीं है, चाहे कोई हॉट लड़की हो चाहे कटरीना कैफ हो, कोई भी हो, आपको नहीं देखना ऐसा किसी को घूर के। क्यों? क्योंकि इसमें आप फालतू देखते हो, और अगर फालतू बनना है तो भाई देखो क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, फॉलिंग टू स्माइल। अब भाई किधर भी आप जा रहे हो, आपने ऐसे देखे होंगे मतलब ग्रुप में कि अननोन पर्सन स्ट्रेंजर, जानते नहीं हो, आप किधर बाहर जा रहे हो और किसी को देख लिया और स्माइल कर दिया, किसी को देख लिया स्माइल कर दिया, उस बंदे ने आपके सामने देखा स्माइल कर दिया, तो सामने वाला सोचेगा यार भाई क्या चूतिया बंदा है या फिर क्या रूड बंदा है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, फालतू स्ट्रेंजर लोगों को स्माइल नहीं देनी है, आप यार ये थोड़ा सीरियस चलो यार, क्या ऐसे चूतियों की तरफ हंसना बचना, ऐसा इधर उधर देखना नहीं चलना है ऐसा, आपको समझ में आ रहा है भाई, किसी अननोन पर्सन को देख कर स्माइल करना यार क्या बात कर रहे हो, ठीक है यार स्माइल करना अच्छी बात है, इट्स ए गुड साइन, बट यू हैव टू कीप योर पर्सनैलिटी टू, डोंट बी लाइक अ चूतिया पर्सन, सो यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड। नेक्स्ट, टिफिंग एंड। इसमें आप कॉन्फिडेंस दिखते हो, जब एक पर्सन ऐसा ऐसे करता है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखता है, ऐसे ऐसे करने से तो ये बहुत बेहतरीन है, तो इसमें आप कॉन्फिडेंस दिखते हो और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, क्लास्पिंग योर हैंड्स। आपने देखा होगा जब आप कहीं स्टेज पे हो या फिर टीचर ने कह दिया कि यू स्टैंड अप एंड से समथिंग, तो आप ऑडियंस में या फिर पब्लिक में होते हो या फिर नर्वस हो जाते हो, तो मतलब ऐसे ऐसे करने लगते हो, तो इससे आप इंडिकेट करते हो नर्वस, कॉन्फिडेंस लेस, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है जो मतलब आपको दिखाते हैं यार भाई कॉन्फिडेंस लेस, एकदम आपका सेल्फ स्टीम वगैरह सब डाउन हो जाता है व्हेन स्टार्ट टू स्कैपिंग योर हैंड लाइक दैट, सो ये गलती आपको नहीं करनी, आपको ऐसे अपने हाथ को ऐसे वैसे नहीं करना है। नेक्स्ट, होल्डिंग योर पाम्स अप। इससे आप दिखते हो वीक एंड सरेंडर कि भाई हाँ मैं वीक हूँ, मैं मानता हूँ कि भाई हूँ, मैं सरेंडर कर देता हूँ खुद को, ऐसा नहीं कि पुलिस स्टेशन में, बट हाँ कि भाई जो तू बोले वो सही है। नेक्स्ट, स्टैंडिंग विथ योर हैंड्स ऑन योर हिप। ऐसे लोग देखे होंगे जो मतलब अपने हाथ दोनों इधर कमर पर रख देंगे, बातें करेंगे, ये पोस्टर सबसे घटिया है, वाहिया दे, बिल्कुल बकवास है, क्या बोलूँ, कुछ और वर्ड्स है नहीं, तो ये पोस्टर मत करना क्योंकि इसमें बहुत आप वाहिया दिखते हो, तो ये पोस्टर आपको नहीं रखना है, अपने हाथ दोनों हिप पे रख दिया और बात करेंगे, यार भाई कम आउट यार, आप मैन नहीं हो तो मुझे शक मत करवाओ फालतू में। नेक्स्ट, चेकिंग योर फोन और वॉच। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, ऐसे आपने लोगों को देखा होगा जो मतलब बार बार अपना फोन निकालेंगे एंड दे विल स्टार्ट टू वॉच ये वो एंड या फिर वॉच देखना स्टार्ट कर देंगे कन्वर्सेशन के बिटवीन में, तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि भाई आप उस कन्वर्सेशन में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं हो, आप बिल्कुल भी उस इंसान से बात नहीं करना चाहते और अपने काम से बहुत कंफर्टेबल है जो मतलब आप करना चाहते हो, तो ये आप गलती आपको नहीं करना है, आप बिल्कुल भी अनइंटरेस्टेड दिखाते हो कन्वर्सेशन में, तो ये गलती आपको नहीं करनी है यार। ये सबसे घटिया हरकत है कि मतलब किसी से बात कर रहे हो और उसके सामने नहीं देख रहे हो बट मोबाइल में देख रहे हो, ये हो गया वो हो गया सीरियसली, या फिर अपने वॉच में देखेंगे, तो ये गलती आपको नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करें। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन
टॉक विथ हिम, फ़ोन देखना है, टाइम निकालो और फ़ोन देखो सिर्फ, ये बीच में कन्वर्सेशन में फ़ोन वगैरह देखना ये भैया दे, ये आपको करना नहीं है। नेक्स्ट, शेकिंग योर लेग वेल सीटिंग, जब आप कहीं बैठे हो और अपने पैर ऊपर नीचे कर रहे हो, वो क्या इंडिकेट करता है? वो ये इंडिकेट करता है कि उस बंदे को उधर से मूव ऑन हो जाना है और वो उस मूवमेंट में बैठना नहीं चाहता, कहीं और जाके करना चाहता है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, समझ पा रहे हो? हम किसी के साथ बैठते और अब हम अपने बॉडी मतलब अपना जो पैर है उसको क्रॉस करके अप एंड डाउन करते, तो मतलब हमारा माइंड उस कन्वर्सेशन में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, हम कुछ और ही करते हैं, अपना पैर ऊपर नीचे, पैर ऊपर नीचे, पैर ऊपर नीचे करते हैं। तो हम चाहते कि भाई कब इधर से निकले, तो ये गलती आपको नहीं करनी। अब अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे जाना है, तो कुछ एक्सक्यूज बना के निकलो कि भाई, वो मैं बाद में कहने वाला हूँ कि आपको क्या कहना है। नेक्स्ट, वॉकिंग विथ योर हेड डाउन, ऐसे महान अपने लोग हैं भाई जो कि जा रहे सर नीचे कर देंगे और जाएंगे जाएंगे ऐसे, या फिर मोबाइल ले लेंगे ऐसे देखते देखते निकलेंगे, आगे पीछे नहीं देखेंगे, सिर्फ मोबाइल में देखेंगे। तो ये गर्दन नीचे करके चलना बहुत आपको क्या दिखाता है? कॉन्फिडेंस लेस, आपका सेल्फ स्टीम डाउन, आपकी पर्सनालिटी जीरो, आप जीरो, कुछ नहीं है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, समझ में आ रहा है? कि मतलब आपको अपना सर नीचे झुका के नहीं चलना यार, सीना ताड़ के चलो यार, क्या बात कर रहे हो, मर्द हो तुम। और जो लड़कियाँ देख रही है उनको ऐसा नहीं कि भाई आप भी मर्द हो, बट यू आर अ वूमेन विथ अमेजिंग पर्सनैलिटी। तो भाई ये सब गलतियाँ आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ये सब हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। अब आपको ये सुधारनी है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई हमें अपनी गलतियाँ सुधारनी है, क्या क्या पोस्ट रखना चाहिए, वो मुझे बताओ, आ जाएगा कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी करो, वीडियो आ जाएगा बहुत जल्द। तो भाई बस ये गलती आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दैट्स इट, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जवान।